हेलो जी, राम राम। कैसे आप सभी लोग? तो एकदम सुबेरे सुबेरे देखिए हम आ गए हैं गांव, और आज हमको करनी है बुआई। तो बहुत सारी बुआई करनी है, बीज भी रास्ते में से लेते आए हैं, सरसों, चना, तीसी। और अब चल रहे हैं, देखिए खाद, पहले खेतों में खाद छिटाएगा, फिर जाके ये होगी बुआई। मनका कब मिलेगा? तो देखिए खेत में पहले ये खाद हम लोग डालेंगे, इसको कहते हैं उर्वरक, फर्टिलाइजर, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, और हमको नहीं मालूम और कहाँ हो सर जी, डाई और पोटास। डाई पोटास। ये है देखिए, ये जो दानेदार है डाई है, जो रेड वाला ये पोटास है। तो इस पर हल्का सा पानी छिड़क रहे हैं इसलिए ना कि ये जो है अच्छे से चिपक जाए। तो ये बताइए खदवा के साथ हुआ ना सरसों, ये छिटाई कैसे? तो पहले इसको मिक्स किया जाएगा। ये जो है पोटास है, ये जो रेड वाला, इसको इसी के साथ मिक्स करना है। तो भैया आ गए हम खेत में, और ट्रैक्टर वाले भी आ गए खेत में। हल्दी हमारे खेत के भी एकदम हरी भरी है। यही है, खेत की जुताई हो गई है, एक बार इसी में करनी है बुआई। उधर देखिए सर जी जो है अभी खाद छीट रहे हैं, अभी बीज छीटना बाकी है। देखिए, और ये मेरा मोबाइल जूम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, सब खेतों में खाद और बीज छीट रहे हैं, और मैं भी चल रही हूँ, थोड़े से मैं भी खाद छीट लेती हूँ एक साइड से। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है खेतों में छिटाई करना, ये वाला काम ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खेत में बीज छीटना और खाद छीटना, पता नहीं क्यों, बचपन में कभी हमने ये सब चीज़ें तो किए नहीं थे, ससुराल आने के बाद ही ये सारी चीज़ें करनी पड़ी, लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं भी थोड़ा खाद वगैरह छीट लेती हूँ खेत में, और बीज छीट लेती हूँ। हालांकि मेरा हमेशा छीटने का हैबिट नहीं है, इसलिए बराबर बीज मुझसे नहीं पड़ते हैं, तो वो सर ही करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी उसमें हेल्प करती हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी छीटती हूँ। लेकिन छीटते छीटते मुझे बिल्कुल आ गया है ढंग से, लेकिन अब चूँकि बड़ा खेत है तो सर ही करेंगे, थोड़ा सा मैं भी छीट लेती हूँ। तो उसके बाद देखिए, हमने खाद और अभी तक खाद ही छीटे हैं, अभी बीज नहीं। तो बीज के लिए देखिए, यहाँ पर हम सरसों खरीद कर ले आए थे मार्केट से, तो अच्छी जो है सरसों की पैदावार हो, इसके लिए हमने हमेशा जो है बीज मार्केट से ही खरीदते हैं, घर का रखा हुआ बीज नहीं बोते हैं। और साथ में हम चना ले आए हैं और तीसी लाए हैं। तो चने की इस बार दो वैरायटियां हम लगाने वाले हैं खेतों में, थोड़ा अलग अलग टाइप का। पिछले बार जो हमने चना बोए थे, वो जो चना है ना, उसको मतलब भून के खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट वो नहीं आता है, तो इस बार हमने दूसरे तरह का चना ले आए हैं, ताकि उसे भून के भी खाएं और कच्चे भी खाएं। तो ये चना एक बड़ा है और एक छोटा, दो वैरायटी के हैं, तो ये दोनों चने हम बोएंगे। तो फिर चलिए फटाफट से जल्दी से बुआई कर लेते हैं। ट्रैक्टर तो खेतों में आ गया है, लेकिन अभी वो ट्रैक्टर दूसरे खेतों की जुताई कर रहा है, तब तक हम अपने खेतों में बीज छीट लेते हैं। और हमारे साथ, हमको खेतों में देखकर ही आयशा और अंशिका, आयुषी सब लोग आ गए हैं। तो कोई मेरा वीडियो शूट करने वाला नहीं था, तो यहाँ पे आयशा आ गई है, और अब आयशा हमारे वीडियो शूट कर रही है। यहाँ की कैमरा मैन मैंने आयशा को बना दिए हैं। तो दोस्तों देखिए, सर जो है छीट रहे हैं चना, तो हम छीटेंगे तीसी किनारे किनारे। इस बार हम अलसी बोने वाले हैं, तो चलते हैं बोने। चलो चलो आयशा, चलो हमारे साथ आयशा भी आ गई है, आयुषी भी आ गई है, और आयशा जो है हमारा वीडियो आयशा बना रही है। चलो इसी में थोड़ा सा खाद मिला के छिटेंगे ना। कर दो तो दोस्तों हम सब लोग आ गए हैं ट्रैक्टर पे, और अब हम लोग ट्रैक्टर चलाएंगे,
और खेत की करेंगे जुताई। इतने सारे यहाँ पे देखिए ड्राइवर आ गए हैं मेरे साथ, सब ड्राइवर हैं। हम लोग ट्रैक्टर चलाने वाले ड्राइवर हैं। किसको किसको चलाने आता है बताओ? देखो देखो, इसको अंशिका को चलाने आ रहा है। देखो अंडिल घुमा रही है ना चक्का। आयुषी, आयुषी आता है ट्रैक्टर चलाया वाला? नहीं, खाली ट्रैक्टर पे आयुषी बैठी ना। ऐसा तो के वो ऐसा को आता है, ये ट्रैक्टर ऐसा का है। ऐसा के पापा जो है ट्रैक्टर चलाते हैं, तो हम लोग बैठ के जो है ड्राइविंग आज करेंगे, है ना? मेरे चाचा भी कर रहे थे आपके खेतों में। मेरे खेत में सब लोग ट्रैक्टर चलाना सीखते हैं भैया। तो चलो फोटो वोटो हम लोग खींचते हैं, आप ट्रैक्टर पे आ गए, हम लोग तो पहले फोटो खींचेंगे, है ना? खींचते हैं। तो दोस्तों एक ड्राइवर हमारे साथ और भी आ गई हैं, वो है मिस्टर परी सिंह। बोलो परी हेलो। हेलो सब लोग बोलो हेलो। हेलो हेलो क्या होता है? हेलो माने क्या होता है बताओ? हेलो माने क्या होता है अंशिका? हाय। हाय हेलो माने सुनो। देखिए परी बोल रही है हेलो माने सुनो। और यार हम तो आज तक सोचबा नहीं कि हेलो माने क्या होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए हेलो माने क्या होता है। पतंग किसको पतंग उड़ाना है? पतंग उड़ावत रहे। ओहो तो भैया खेत में छिटा रहा है सरसों, आयशा डांस कर रही है। तो दोस्तों देखिए सारा सरसों छिट गया है, थोड़ा सा रह गया है, तो ये मैं अब छिट रही हूँ, लेकिन मुझको ये लोग भी छिटने भी नहीं दे रहे हैं। देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, क्या हमको बो देना, हम फूट दे बुला जाना। तो हम जो है थोड़ा सा सरसों बो देते हैं खेत में। चना भी बोआ गया, तीसी भी बोआ गया है, बस ऐसे सरसों रह गया है। तो दोस्तों खेतों में बीज छिट गया, हो रही है खेती की जुताई। खेतों में बगुला भी आ गए हैं, ये बगुला कीड़ा खा रहे हैं। देखिए देख रहे हैं ट्रैक्टर के पीछे पीछे, ये देखो भैया ट्रैक्टर के पीछे पीछे देखिए, ये देखिए लोगों को कितना मज़ा आ रहा है, तीनों को, तीनों कीड़ा पकड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं। देखिए तीनों, वाह इतना अद्भुत है, देखिए तीनों कैसे चल रहे हैं। तो भैया खेतों की हो रही है जुताई, तीन बगुले हैं और तीनों जो है सारी चिड़िया को भगा दिए हैं, खाली वही ट्रैक्टर के पीछे पीछे घूम रहे हैं कीड़ा खाने के लिए। देख रहे हैं तीनों का तीनों मान नहीं रहे हैं, पीछे पीछे ट्रैक्टर के लगे हुए हैं और किसी चिड़िया को आने नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों खेत की जुताई हो गई है और अब हम लोग खेत में मेड़ बना रहे हैं। कभी धूप कभी छाँव लग रहा है, लेकिन जब धूप लग रहा है ना तो इससे चक्कर आने लग रहा है, आधा छूट गया है ना इसलिए अब बड़ा ख़राब लग रहा है। तो सर जी उधर मेड़ बना रहे हैं, कहाँ गए सर जी, दिख नहीं रहे हैं। हाँ देखिए वो है उधर, वो मेड़ बना रहे हैं। तो ये जो ऊंचा नीचा है ना, ये जो ज़मीन है जो जुताई में ऊबड़ खाबड़ हुआ है ना, हम इसको पैर से समतल कर रहे हैं। फटाफट से सब काम करके चले निकलते हैं, घर से खाना वाना खा के नहीं आए थे, बस खाली खाना बना के और खाना लेकर आए हैं। बहुत 11 बज गया है, अपने लगे हम तैयार। तो देखिए ऊबड़ खाबड़ है ना, इसको ऐसे ऐसे पैर से पूरा जो है संपर्क करना है, ये लकीरें जो दिख रही हैं। तो दोस्तों शाम के 4 बज गए हैं और हम आ गए हैं फिर से खेतों में और चल रहे हैं खेतों में से सब्जी वगैरह तोड़ेंगे और निकलेंगे। मुझे रास्ते में दवा भी लेना है तो इसलिए हो सकता है कि लेट भी हो जाए, तो फटाफट से जल्दी जल्दी तोड़ ताड़ के जल्दी से निकलें। ये देखिए खेतों में हो गया है चिचड़ा, देख रहे हैं, आज ले चलेंगे ये हम
घर पे इसकी सब्जी बनाएंगे। ये है, एक और है, एक और है, ये देखिए, और एक यहाँ है। तो दोस्तों हम सूरन निकालने वाले हैं, और बताइए, बता देते हैं, यहाँ देखिए ये जो हमने सूरन लगाया है ना, इतना मोटा सूरन का पेड़ है, और वहाँ एक चीज़ यहाँ निकाल रहे हैं, देखिए ये सूरन है, ये देखिए इतना बड़ा सूरन, देखते हैं इसमें कितना निकलता है, कितना बड़ा है। तो घर चलते चलते सब्जियाँ सब लेते चलते हैं, जो जो सब्जियाँ मिले। अभी तो हमें सब जाड़े वाली सारी सब्जियाँ लगानी है, अभी तो हम केवल चना, तीसी और सरसों बोए हुए हैं, इधर खेत हमने छोड़ दिए हैं। अब आएंगे विजयदशमी की छुट्टी पर, दीपावली की छुट्टी पे, तो सारी सब्जियां इधर लगाएंगे, बड़ा है आराम से। निकल गया देखे, ओ कट गया देखिए, इतना बड़ा सूरन था, कट गया, देखिए इतना बड़ा सूरन, और काट भी दिए, निकालिए देखिए, एक पाव तो कट गया, यही पतला सा है, इतना बड़ा सूरन निकल गया, कट भी गया है, जमी छोटा सा खे रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम निकलते हैं घर के लिए, तो चलिए अब हम निकल लिए हैं घर के लिए, काफ़ी समय हो गया है और मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाई, लेट हो गया मुझे। ये मिष्ठान है, वैभव मिष्ठान भंडार है, नमकीन, यहाँ से हम ले रहे हैं समोसा घर के लिए, बच्चों के लिए, और ये है मार्केट यहाँ का, मातलदेही का मार्केट चौराहा, मातलदेही चौराहा। तो आप लोग में से कौन है जो मातलदेही में रहता है, पचकोसी मार्ग मातलदेही, ये मेरा रूट है हमेशा आने जाने का। तो ये रहा समोसा, हमने बैग में डाल लिए हैं, अब हम निकल।